Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. और भारत की जनता पार्टी और शिवसेना यूपी के उम्मीदवार श्रीमान राजेंद्र विचारे जी, विधायक श्रीमान नरेंद्र मेहता जी, विधायक श्री प्रताप सरकार जी, विपुल मेहता जी, हेमंत पठारे जी, प्रभाकर पठारे जी, चंद्रकांत जी, राजू भोयर जी और अजीत मिश्रा जी, आयुष सिंह जी, पंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित देवियों से जनऊ मित्रों, सवा दो घंटे में मुझे भिवंडी से यहां आने लगा है। मैं क्षमा चाहता हूं समय से लगने की आवश्यकता। आने वाली 29 अप्रैल को आप सबके मतदान से इस बात का फैसला होगा इस लोकसभा क्षेत्र का और देश का भविष्य क्या होगा। आपने सैनिक लोगों ने अनेक अवसरों पर मतदान किया होगा, किसी को सांसद बनाया होगा, सरकार भी बनाई होगी। मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा का चुनाव बाकी चुनावों से थोड़ा भिन्न है। ये केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है और न ही केवल सरकार बनाने का चुनाव। मैं मानता हूं कि ये चुनाव भारत के स्वाभिमान और सम्मान का चुनाव हो गया है और इसलिए मैं आश्वासन करना चाहता हूं कि ये केवल सरकार बनाने के लिए राजद विचारे जी को सांसद बनाने के लिए आप 29 अप्रैल को वोट नहीं डालने देगा, बल्कि भारत की जो अर्थव्यवस्था आज छठी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपको मत करना है। 29 अप्रैल को शिवसेना के उम्मीदवार के लिए आपको मत करना है। राजन विचारे को इसलिए फिर से नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश में मजबूत प्रधानमंत्री मिल सके। पिछले महीने सवा महीने में जो कुछ देश में हुआ आप सब उसके साक्षी रहे। आज भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष का चौथा सुपर पावर देश बन गया। ये सिद्धि जो हमने हासिल की है, मुझे लगता है कि देश के लोग गौरव के अनुभूत कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों के पेट में दर्द शुरू हो गए। जो कुछ पुलवामा में हुआ आप सब उसके साक्षी हैं। सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए आतंकवादी हिंसा में। आतंकवाद और नक्सलवाद एक वैसे नासूर हैं जिनपर विजय प्राप्त करना मैं समझता हूं ये भारत की नियति है। और कौन विजय प्राप्त करेगा? वे दल नहीं प्राप्त कर सकते जिन्होंने मुंबई में जब आतंकवादी हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए तो जिस पार्टी के नेता बयान दे रहे थे कि मुंबई जैसे बड़े शहर में छोटी घटनाएं होती हैं और मुंबई फिर 24 घंटे बाद अपनी रफ्तार से चलने लगती। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र देश की जनता के समक्ष रखा और उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट देश की संसद ने जो कानून बनाया है हमारे सैनिकों के कवच के रूप में उसको हम खत्म करेंगे। राष्ट्रद्रोह की धारा को भी समाप्त करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है, इसलिए चुनाव का महत्व बढ़ गया है। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग पिछले महीने सवा महीने में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं, 29 अप्रैल केवल राजद विचारे जी को सांसद बनाने और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का दिन नहीं है, बल्कि उनसे अपमान का पकड़ा लेना है। 29 अप्रैल को जिन लोगों ने पाकिस्तान की भाषा बोली, जिन लोगों ने आज सेना के शौर्य का अपमान किया है, और यहां सभी उत्तर भारतीय लोगों से बताना चाहता हूं, 29 अप्रैल को करना कुछ नहीं, लाठी चलाना है, गंगा में बंदूक में गोली, केवल तीन धनों इतनी बटन दबानी है, इतनी बटन दबानी है उनके जितने पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हैं 50 साल हिन्दुस्तान में दिखाई दे रहे हैं। इस अनुभव के साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप, लेकिन हम लोग उत्साह में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार, हमारी एक अच्छी संख्या उत्तर भारत के लोगों की है और मैं तमाम उत्तर भारतीयों से निवेदन करना चाहता हूं एक संगठित शक्ति के रूप में, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो रात थोड़ा थोड़ा देते हैं, उस तरह से देने की जरूरत नहीं है। संगठित होकर के पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के यूपी को कांग्रेस के लिए दिया। हमारे
जिनके विचार हमने सुने हमारे मार्गदर्शक श्री मनोज जी सिन्हा पार्लियामेंट में हम उनके साथ ही और एक अच्छे मंत्री जिनके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में रेल का जो उन्होंने काम किया है जो सुविधा देने का काम उनके माध्यम से हुआ है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब इनके माध्यम से इस देश के अंदर इस महाराष्ट्र के अंदर जो भी विकास का काम हो रहा है इस नीति के माध्यम से मेरे 5 सालों में जिस तरीके से इस शहर का विकास हुआ है